मॉर्निंग आप सभी को। ये सब तो एक ही लड़की की फोटो है। समायोचन, I'm sorry। वो लड़की ओबोचामा की बचपन की दोस्त है। क्या कहा, बचपन की दोस्त है? पता है हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? जब से हम डायपर पहनते थे, साथ में बैठकर स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप खाते थे और एक दूसरे के कान भी खींचते थे। ऐसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गुड मॉर्निंग समायोचन, कितना अच्छा परफ्यूम है। जरूर बहुत महंगा परफ्यूम होगा ना? ये मेरी मॉम का परफ्यूम है। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू है। अब से मैं रोज सबको गुड मॉर्निंग कहूँगी, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। वाओ, वाओ। मुझे भी गुड मॉर्निंग कहो। छोटे बच्चों की तरह उछल कूद करना बंद करो, अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करो। समायोचन, तुम गुस्सा मत करो, तुम्हें तो पता है ना ये मस्ती करता है पर दिल का अच्छा है। तुम कितने कितने अच्छे हो काकिनो, मेरे चड्डी बड्डी दोस्त। मैं तुम्हें बचाऊंगा उस हर बच्चे से जो तुम्हें तंग करने की कोशिश करेगा। कहा तुमने? अब झेलो, ये लो, ये लो, ये भी लो, मेरा पीछा छुड़ा। पंगा लो, दिशुम, आज तो मैं अपना होमवर्क करना ही भूल गई। सच कहती हूँ, तुम सब कितने अच्छे दोस्त हो। चलो हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। बस वही खड़े रहना। हट जाओ यहाँ से। मुझे क्यों हटाया यहाँ से? तुम हटो यहाँ से, वो मेरी खास दोस्त है। तुम्हारी दोस्त होगी लेकिन अभी वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए तुम उसे दूर रहो। अब वो मुझे बेस्ट फ्रेंड बना लेगी। काकिनो देखो, देखो ना वो कितना बुरा है, हमेशा मुझे तंग करता रहता है। अब क्या करे, उसे मौका मिलते ही वो चौका मारता है। तुम मुझसे दोस्ती करेगी क्योंकि मैं गुड बॉय हूँ। क्या बड़बड़ा रहे हो दुश्मन? फेस पैक लगा रहा हूँ, इससे चेहरे पर जादू होता है। अच्छा, चेहरा जादू से चमकता है और सब लोग खुद सामने से आकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। आजकल सब लोग उसी से दोस्ती करते हैं जो स्टाइलिश हो और ज्यादा स्मार्ट दिखे। तुम्हारा चेहरा। हम साथ में खड़े हो तो मैं हीरो और तुम जीरो। काकिनो, मेरा चेहरा भी हीरो जैसा बना दो प्लीज मेरे दोस्त। तुम्हारी आईब्रोज कुछ ज्यादा ही मोटी है ओबोचामा, और तुम्हारे गाल गोल गोल और भरे हुए है। चलो अब जल्दी से उन्हें पीछे बांध दो। तुम्हारी हाइट भी बहुत कम है। मैं हील्स भी पहन लूंगा। और तुम्हारे बाल भी काफी अजीब हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, मैं विग पहन लूंगा। मुझ जैसे हीरो लड़के से सब दोस्ती करना चाहेंगे। मैं स्कूल में नया हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हेलो समायोचन। अब तो तुम मुझसे दोस्ती करने में शर्माओगी नहीं ना? बंद करो ये सब, मैं तुम दोनों से तंग आ चुकी हूँ। मुझे तुम दोनों की दोस्त नहीं बनना। चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं दूसरा तरीका यूज करूंगा सॉरी कहने का। मैं सॉरी वाली चिट्ठी लिखकर उसे मना लूंगा। वाह क्या आइडिया है। समायोचन, मैंने तुमको बहुत तंग किया, प्लीज मुझको माफ कर दो। हाँ लेकिन उस ओबोचामा को नहीं। मैं भी सॉरी वाली चिट्ठी लिखूंगा। ये लेटर किसने रखा है? ओह ये तो फुकुरो कोची का है। बड़ा ही अजीब लड़का है, मुझे नहीं करनी उससे दोस्ती। उसने तुम्हारा लेटर फेंक दिया। मैं तो ऐसे स्टाइल में लेटर लिखूंगा वो जरूर पढ़ेगी। हिकी। कल रात को मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर गई थी और हमें बहुत मजा आया। और पता है ये क्या है? समायोचन, ये मैं हूँ चामा। मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लग रहा था, इसीलिए मैं लिखकर सॉरी बोल रहा हूँ। मुझे यकीन है तुम जरूर मुझे माफ कर दोगी। चामा का लेटर। समायोचन, मैं बहुत दिल से सॉरी फील कर रहा हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। मैं बहुत मस्ती खोर बच्चा हूँ, पर सच मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। तुम कितनी स्वीट हो, बिल्कुल चॉकलेट की तरह। प्लीज टॉयलेट पेपर को फ्लश करके मेरी गलतियों को फ्लश कर दो।
टॉयलेट पेपर पे कौन लेटर लिखता है? फुकुरोकोजी, आगे का प्लान बताओ ना, मुझे कॉपी करना है। लोग दोस्ती उसी से करते हैं जो स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपने दोस्तों की रक्षा कर सके। बस बस, और बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया। वन टू थ्री फोर, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग, मेगा स्ट्रॉन्ग। वाओ, सॉलिड मेहनत कर रहा है, ये तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये तो मुझे पक्का हरा देगा। मैं बनूंगा सुपर स्ट्रॉन्ग। जल्दी चलो पापा के पास, मुझे इसी वक्त प्रोफेशनल रेसलिंग कोच से ट्रेनिंग लेनी है। नहीं चलेगा कोई तुक्का, दुश्मन मिले तो मारो तुक्का। अच्छा, समझ गया। और पीछे से मारना हो तो इस तरह से। मैं कोशिश करूं। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। और फिर इस तरह से उठाकर पटकना। अब मेरी बॉडी का एक एक मसल स्ट्रॉन्ग हो गया है। समायोजन। ओह हाय काकिनो, मॉर्निंग। ओ समायोजन, तुम अकेली रास्ते पे क्या कर रही हो? दुनिया खराब है, तुम्हें एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, जो मैं हूँ। इससे नहीं होगा, मैं बनूंगा। मुझे किसी भी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। ये आदमी बहुत खतरनाक लग रहा है, यही मौका है ताकत दिखाने का। अब समायो को मेरी ताकत का पता चल ही जाएगा। रुक जाओ, समायो चान से दूर रहो वरना पछताओगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। फुकुरोकोजी, अंकल जोर से चिल्ला रहे हैं, प्लीज जरा पूछो ना उन्हें क्या चाहिए, वो क्यों भड़क रहे हैं। जाओ जाके पूछो ना। ये बस एक मामूली इंसान है, कोई गुंडा नहीं। तुमने मुझ पर चिल्लाया क्यों? इतने छोटे होकर बड़े पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? देखो मेरी अच्छी ट्रेनिंग का नतीजा। क्या बात है फुकुरोकोजी? ये तो गड़बड़ हो गई चामा, अब तो फुकुरोकोजी समायोजन के सामने हीरो बन गया। ये नहीं हो सकता, मेरा दिल तो पूरी तरह टूट गया। मेरे खास दोस्त मेरी दोस्त नहीं रहेगी। इसने मारा मुझे, भाग कर आए हो, अभी बताता हूँ। फुकुरोकोजी, ओबोचामा, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। भागोगे तुम, मुझसे बचोगे नहीं। देखो मेरा स्टाइल। बच्चों को तंग करके शर्म नहीं आती? चलो भागो यहाँ से। ये लड़का तो पूरा पागल है। क्या भगाया समायोजन, देखा तुमने ओबोचामा का कमाल? समायोजन, तुमने देखा मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ? मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं ऐसे लोगों से दोस्ती भी नहीं रखती। मैंने पैंट पहन ली, रुको, पापा के पास जाना है। क्या ओबोचामा कहीं चला गया? हाँ, बेचारा बहुत ज्यादा उदास था, समायोजन ने उससे दोस्ती तोड़ दी, इसलिए वो यहाँ से चला गया। ओ बेचारा ओबोचामा, मैंने तो ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। आपको पता है वो कहाँ है? प्लीज बताइए ना, वो कहाँ चला गया? अब क्या बताऊँ। कोई फायदा नहीं बच्चों, प्लीज उसे बता दीजिए, हम उसके दोस्त हैं। वो सबसे दूर रह के गार्डन में छुट्टियां मना रहा है। क्या कहा? उसने कहा है कि कम से कम एक हफ्ते तक वो वापस नहीं आएगा। जल्दी वापस आ जाओ चामा, तुम्हारी बहुत याद आती है। अपने ही गार्डन की ट्रेन में घूम रहा है, ये नहीं सुधरेगा। मैं छुट्टी पर हूँ। चलो इस हफ्ते हम ओबोचामा की डिक्शनरी से एक नया अनोखा और मजेदार वर्ड सीखते हैं, पर याद रखना, वर्ड को भूलना मत। टाइम लगेगा, बाद में आना। सारे बाथरूम में कोई ना कोई घुसा है।
कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या ओबोचामा एलियन बन गया है? ये क्या हो रहा है? ये उड़ कैसे सकती है? अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुको। कहाँ जा रही थी उड़कर? हाँ, ये क्या चीज है? तुम्हारा ये कार्टून जैसा चेहरा मैंने कहीं देखा है? हाँ, हो? हाँ, सोचना भी मत। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बिस्किट है, तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम्हारे जैसे अजीबोगरीब नमूनों को तो आसपास फटकने भी नहीं दूंगा मैं। लेकिन तुम मेरी वजह से आए हो तो मैं तुम्हारे साथ बिस्किट शेयर कर लेता हूँ। अरे वो तो चामा है ना। सुनो वो चामा। हाँ। अरे ये लड़का कौन है? चामा का डुप्लीकेट है। अगर ये मेरा डुप्लीकेट है मतलब ये बहुत ही हैंडसम है। मैं रिसाइकल प्लैनेट से आया हूँ और मेरा नाम है फुनफुन। बिल्कुल मेरी तरह क्यूट। इसका मतलब तुम एक एलियन हो? मैंने सिर्फ आधा खाने को कहा था, बाकी आधा मेरा था। निकालो मेरा बिस्किट, बाहर निकालो। ओबो चामा। स्पेसशिप की मीथेन गैस खत्म हो गई और मैं यहाँ गिर गया। ये तो बातें भी बिल्कुल चामा की तरह करता है। क्या कहा तुमने? मुझे तो ये चामा से बेहतर लगता है। तुम हर वक्त मेरी बुराई क्यों करती हो? स्पेसशिप को फिर से चलाने के लिए बहुत सारी गैस की जरूरत है जो पॉटी से बन सकती है। मैं बता रहा हूँ, मैं इससे कहीं ज्यादा अच्छा हूँ। मुझे जल्द से जल्द अपने प्लैनेट पर वापस जाना होगा, नहीं तो मैं किसी फूल की तरह यहाँ पर मुरझा जाऊंगा। छोड़ दो इस हरे मुंह वाले को उसके हाल पर। चलो समय और ककिनो, हम जाकर आइसक्रीम खाते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन ओबो चामा, हमने उसे अकेला छोड़कर सही किया क्या? ओबो चामा, तुम बहुत गंदे लड़के हो। छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी बात समझो, मदद करो। चामा, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, तुम सब गलत समझ रहे हो, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। चुपचाप इधर आओ। तुम मेरी इज्जत का फालूदा बना रहे हो। मैं मीथेन गैस ढूंढता हूँ ताकि तुम जल्दी से यहाँ से जा सको। चलो हो गया, फ्लश कर देता हूँ। रुक जाओ। तुम लोग कौन हो? मैं 1 करोड़ में आपकी पॉटी खरीदना चाहता हूँ। सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ब्लड डोनेट। सब लोग यहाँ पर आइए, हमारा बाथरूम यूज कीजिए, साफ और चकाचक। आइए, यहाँ आइए, प्लीज यहाँ आइए, हमें अपनी कीमती पॉटी दीजिए। आप सबकी मदद से मैं घर वापस जा पाऊंगा। मैं तो थक गया हूँ। ओबो चामा, क्या ये भी पॉटी है? पता नहीं, पार की नजर से देखता हूँ। क्या ये पॉटी है? क्या ये पॉटी है? क्या ये पॉटी है? क्या ये पॉटी है? खुशबू से तो लग रहा है कि ये पॉटी है। अब हम काफी सारी गैस बना सकते हैं। हम सबकी मेहनत से इतनी सारी पॉटी इकट्ठा हुई है। अब मैं अपनी मशीन से पॉटी को गैस में बदल दूंगा और अपने घर वापस चला जाऊंगा। इतनी गैस काफी है मेरे प्लैनेट वापस जाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ कि वो अपनी फैमिली के पास वापस जा सकेगा। हाँ, हम भी चाहते हैं कि वो अपने घर पहुँच जाए। मैं घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। चलो चले घर मेरे चले, चलो चले घर मेरे चले, चलो चले घर मेरे चले, चलो चले। मेरे प्यारे पप्पू। हाँ।
बोलो। चामा, पप्पू को कुछ हुआ तो नहीं? उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। स्कैल्पल ये लीजिए। ओह, इसके ऑर्गन्स तो अलग हैं। ये इंसान नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता उन्हें एलियन का ऑपरेशन करना आता है। मुझे लगता है वो लोग स्पेशलिस्ट के आने का इंतजार कर रहे होंगे। बुरी खबर है, फन फन की हालत बिगड़ती जा रही है। क्या? नहीं तो मैं किसी फूल की तरह यहाँ पर मुरझा जाऊंगा। हमें उसे यहाँ से निकालना होगा, जल्दी से घर पहुँचाना होगा। तुमने हमें आधी रात को क्यों जगाया है चामा? हम सब फुनफुन को बचाने जा रहे हैं, हमें इसी वक्त उसे हॉस्पिटल से निकालना होगा। फुनफुन, चामा, चलो उठो, तुम्हें घर जाना है कि नहीं? हॉस्पिटल में कोई घुस गया है, जाओ ढूंढो उसे। वो रहे, पकड़ो उन्हें। चामा, जल्दी करो, जल्दी करो, जाने ना पाए। पप्पू, चिंटू, मिंटू, विंकी, जल्दी चलो। ओबो चामा, जल्दी, वो आ रहे हैं। चलो मेरे कछुओ, चल मेरे कछुए, टिक टिक टिक, चलो। ऊपर जाने का वक्त आ गया। क्या था? क्या मतलब? मुझ पर भरोसा रखो चामा, किसी को कुछ नहीं होगा। हम उड़ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। हम उड़ रहे हैं, जरा उनके चेहरे तो देखो। घर पहुंचने में टाइम लगेगा, तो रास्ते में ये बिस्किट खा लेना। मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू बुचामा, थैंक यू बुचामा। चामा, मैं यहाँ गलती से आया था, लेकिन मुझे यहाँ एक सच्चा दोस्त मिल गया। पता है हमारे प्लैनेट पर एक स्पेशल हैंडशेक होता है? हाँ, मेरा भी एक स्पेशल हैंडशेक है। पता नहीं अभी ये क्या करने वाला है। चामा, नहीं, बाय, अपना ध्यान रखो।